हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं उड़द दाल के बड़े। अगर आपको जानना है उड़द दाल का बड़ा कैसे बनाते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ये बड़े को आप एक बार बना के साल भर रख के खा सकते हैं, इसको बहुत टाइम तक चलता है ये। तो अगर आपको जाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लिया हमने आधा किलो उड़द का दाल, उसको हमने पानी में भिगो के रखा हुआ था, देख सकते हैं पानी से भिगो के हमने इसको निकाल लिया है। अपने यहाँ पे उड़द के दाल को इसके अंदर डाल के अब हम लोग को इसको यहाँ पे दरदरा इसका पीस लेना है। आपको इसको ज़्यादा पेस्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ हल्का दरदरा पीसना है इसका। तो देख लिया हमने यहाँ पे मिक्सी के ढक्कन को बंद करते हैं और सबसे पहले हम लोग इसका बना लेते हैं दरदरा। देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से यहाँ पे पीस लिया है, उसको हम लोग एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही जितने भी हमारे पास है दाल सबका हम लोग यहाँ पे पीस के इसको दरदरा पीस लेंगे। आप इसका जो बड़ा बनाएंगे आप उसको चाहो तो सब्जी में, बैंगन के सब्जी में, आलू के सब्जी में बना के इसको रख के खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये एक साल से बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है, ये ख़राब भी नहीं होता है अगर आप इसको बना के अच्छे से सुखा के रखोगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे अच्छे से सब कुछ को अच्छे से दरदरा पीस लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल के हमने यहाँ पे पीस लिया है, कम वहाँ पे दरदरा हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी हमने उड़द का दाल पीस के यहाँ पे निकाल लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से हमारा पीस चुका है सब। अब इसके अंदर डाल देंगे हम लोग यहाँ बेकिंग सोडा, यहाँ पे हम लोग एक चम्मच के करीब बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं, इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से हम लोग बेकिंग सोडा के साथ इसको मिक्स करेंगे। अब आपको बेकिंग सोडा डालने के बाद देख सकते हैं अपने हाथों से इसको आपको एक बड़े बर्तन में इसको रखना है, जिससे आपको इसको मिलाने में बने और जिससे बेकिंग सोडा इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो सके। तो आपको यहाँ पे अच्छे से ऐसे ही मिलाते रहना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ले लिया और इसके अंदर हम लोग बॉल बना के टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको बड़े को पानी के अंदर डाल के टेस्ट करना है, अगर वो ऊपर तैरने लगे तो यहाँ पे आपका बड़ा रेडी चुका है, अगर आपको वहाँ पे नीचे बैठ जाए तो आपको उसको फिर से और फेंटना होगा। तो देख सकते हैं बड़ा बनाने के बाद हमारा जो बड़ा है रेडी हो चुका है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे छत पे हमने यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, इसके अंदर हमने यहाँ पे कपड़ा बिछा लिया और इसके ऊपर हम लोग डाल के इसको सुखा देंगे। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे मीडियम साइज़ के छोटे छोटे बड़े हमने बना के पूरे छत पे जितने भी हमारे पास था वैसे हम लोग इसको लगा देंगे और आपको इसको अच्छे से सुखाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 घंटे हो चुके हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग कपड़े में से अलग कर लेते हैं जो यहाँ पे चिपका हुआ होता है, तो आपको इसको सावधानी से देख सकते हैं अलग कर लेना है। देख सकते हैं एक दिन ये सूख चुका है, आपको एक दिन और इसको धूप में डालना है और दोबारा दिन सूख जाएगा और आपका यहाँ पे बराबर के रेडी हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।